स्मॉल इज द न्यू बिग बाय संदीप महेश्वरी। लेखक की टिप्पणी, यह छवि पुस्तक एक दिलचस्प रचना है। इस पुस्तक की विषय वस्तु को महसूस करें, आनंद लें, फिर जिंदगी में उतारें। इसमें जीवन के बड़े पहलुओं को सरल रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह हकीकत फिर से सही साबित की गई है कि आकार के मुकाबले संवेदना का महत्व कहीं अधिक होता है। बच्चे अपने प्रत्येक कार्य के द्वारा जीवन जीने का ज्ञान देते हैं। प्रत्येक छवि एक ऐसी कथा को प्रस्तुत करती है जो विशाल, ब्रह्मांडीय और अस्थाई है। प्राक्कथन। वर्तमान में हर बड़ी वस्तु का संबंध व्यक्ति की भौतिक संपदाओं से है। एक बड़ी कार, एक बड़ा मकान या बैंक में जमा बड़ी राशि, एक अंतहीन मार्ग जो कि जीवन की विशालताओं की ओर बढ़ता है। पर चलते चलते हम भूल जाते हैं कि कुछ ऐसी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनका जीवन पर प्रभाव बहुत विशाल होता है। समय बदलता है और इसी बदलाव में देखने का नजरिया भी बदल गया है। पहले जिस वस्तु का महत्व अधिक माना जाता था, अब नहीं माना जाता। एक ऐसा भी समय था जब ज्ञान का महत्व अधिक हुआ करता था। ज्ञान प्राप्त करने और उसे बढ़ाने का ज्यादा बल दिया जाता था, जबकि आज के जमाने में तथ्य और ज्ञान माउस का एक बटन दबाते ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए मौजूदा समय में कुछ अलग करने, कुछ अलग सोचने की क्षमता की अहमियत कहीं ज्यादा है। प्रेरणा। आज जब मैं एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ा हूं, मुझसे पूछा गया कि ऐसा क्या है जो मुझे प्रेरित करता है। लोग कहते हैं कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि सफलता क्या है और मेरी सफलता के लिए कौन उत्तरदायी है, मेरे माता पिता, मेरे अध्यापक या फिर जिंदगी। सच है कि मेरे माता पिता ने प्रेम और स्नेह के साथ मेरा पालन पोषण किया। अध्यापकों ने पुस्तकों के माध्यम से मुझे बहुमूल्य शिक्षाएं दी तथा जीवन ने मुझे उस सांचे में ढाला जो आज मैं हूँ। हालांकि गौर से विचार करने पर मुझे पता चला कि यह मेरा बचपन ही है जो मेरे लिए मेरे जीवन की बहुत सी बड़ी शिक्षाओं को समेटे हुए है। जब मैं अपने 3 वर्ष के बेटे को देखता हूँ, तब ये शिक्षाएं और अधिक असरदार ढंग से जिंदा हो उठती हैं। मैं अपने जीवन से जितना अधिक अनुभव प्राप्त करता हूँ, यह एहसास उतना ही गहरा हो जाता है कि बच्चा पूरी मानवता के लिए एक शिक्षक होता है। यह पुस्तक मेरे बेटे को समर्पित है, जिसने पूरी तरह से जीवन को जीने की शिक्षा दी है। प्रारंभ। इन सभी की शुरुआत एक सुस्त रविवार की दोपहर को हुई। आम दिनों की तरह मैं टीवी देख रहा था और मेरा 3 वर्षीय बेटा अपनी ही दुनिया में मस्त था। उसने एक जीप उठाई, उसे उल्टा पलटा और फेंक दिया। फिर उसने एक हेलीकॉप्टर उठाया जो उसके सिर के आसपास उड़ता रहा और फर्श पर आकर रुक गया। उसके घूमते हुए पंखों की ओर वह बहुत आकर्षित हुआ तथा उसने उन्हें अलग कर दिया ताकि वह देख सके कि वे कैसे चल रहे थे। हेलीकॉप्टर के अंदर जो उसने देखा, उससे वह संतुष्ट नजर आ रहा था। उसके सीखने के ढंग को देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं बस यूं ही सोचने लगा कि क्या उसके भाग्य में इंजीनियर बनना लिखा है। अचानक उसका ध्यान डाइनिंग टेबल पर पड़ी वस्तु की तरफ आकर्षित हुआ। वो वहां गया और अपने नन्हे हाथ उस तक पहुंचाए। अपनी उंगलियों से उसने पानी से भरे जग के हैंडल को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक जीत की खुशी झलक रही थी कि उसने वह जग पकड़ लिया। मैं आश्चर्यचकित होकर यह सोच रहा था कि क्या उसे रोकूं। इससे पहले कि मैं कोई फैसला करता, उसने अपने नन्हे हाथों से मजबूती से हैंडल को पकड़ा तथा उसने जग को उलट दिया और पानी उसके सिर पर गिरने लगा। वह सिर से पैर तक पानी में भीग चुका था। आज तक मैं यह नहीं समझ सका कि यह दुर्घटनावश हुआ था या ऐसा जानबूझकर किया गया था, लेकिन यह घटना पूरी तरह से मेरे मन में एक छाप छोड़ चुकी थी। सबसे पहले तो वह अचानक पानी के प्रभाव से हैरान हुआ। फिर उसने यह पक्का करने के लिए अपने आसपास देखा कि कोई बड़ा उसे रोकने के लिए देख तो नहीं रहा। मैं अपनी मुस्कुराहट को छिपाते हुए अनजान बना रहा, लेकिन मेरी उत्सुकता पूरी तरह जाग चुकी थी। मैं सोच रहा था कि वह अब आगे क्या करेगा। अब आगे जो कुछ उसने किया, उससे मैं स्तब्ध हो चुका था। वह खिलखिलाकर हंसने लगा और अपने पैरों को पानी में छपक छपक मारने लगा। आनंद मग्न होकर वह दोनों हाथों से तालियां बजा रहा था। उसने अपने अलबेले से अंदाज में थोड़ा सा नृत्य भी किया। उसकी आंखों में एक खास चमक थी
तथा उसके चेहरे से निर्मल खुशी झलक रही थी। मैं उसके इस मासूमियत भरे खेल में खो सा गया था। मैं अगले कुछ घंटों के लिए पूरी दुनिया को भूल गया और ध्यान से उसको निरंतर देख रहा था। मैंने उसे खोज करते हुए देखा, उसे आविष्कार करते हुए देखा तथा उसके जीवन जीने के अंदाज को निहारा। मैं अपने बड़े होने के एहसास को भूल चुका था और मैं अपने बेटे की दुनिया में खो चुका था। मैंने खोजा जीवन, जीवन जीने का आनंद, खुशियों का रहस्य। मैं सोच के हैरान था कि मैंने पिछली बार कब ऐसे आनंद का अनुभव किया था। मैं हैरान था कि अपने जीवन में सफलताओं को अनेक पलों के बावजूद मैं बचपन की बहुमूल्य खुशी को खो चुका था, जिसे मैंने अपने 3 वर्षीय बेटे के अनुभव में देखा। यह एक आंखें खोल देने वाली घटना थी। मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने देखा है वह एक बेहद खास और बलशाली पाठ था जिसकी खोज की जानी चाहिए। यह एक हैरान करने वाली बात थी कि मेरे पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि उसे सीखने के लिए बहुत कुछ था। इस तरह जो बहुमूल्य सबक मैंने अपने बेटे से सीखे वे इस प्रकार हैं। किसी भी बालक की तरह विचार कर। किसी भी बच्चे की सोच कल्पना के परे होती है। हम जो कुछ सोचते हैं वह सिर्फ किसी दूसरे द्वारा पहले ही सोची गई बात या कल्पना की छवि होती है, लेकिन किसी बच्चे के विचार मानव अनुभव या बीते उदाहरणों से सीमित नहीं होते हैं। उसके पास अनोखे विचारों का असीमित भंडार होता है। इस प्रकार जीवन में बड़ी कामयाबियों को प्राप्त करने के लिए हमें किसी बालक के नजरिए की आवश्यकता है। हमें कुछ अलग हटकर सोचने की आवश्यकता है तथा हम केवल तभी असंभव को संभव करने का सपना ले सकते हैं। यह एक पुरानी सोच है कि जिससे नीत्शे जैसे दार्शनिक और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक प्रभावित हुए और वे सामान्य व्यक्तियों से कुछ अलग कर सके तथा एक नई दुनिया की खोज की। उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर निकलना सीखा और चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखा। हम क्यों नहीं बच्चों से सबक लें और दुनिया को पूरी तरह एक अलग तरीके से देखें। मैं ऊपर बताए विचार को अपने जीवन के 3 उदाहरणों से समझाना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन से ही उदाहरण पेश किए हैं क्योंकि वे मेरे लिए बहुत ही वास्तविक और अर्थपूर्ण हैं तथा मैंने जिनसे बहुमूल्य शिक्षाएँ प्राप्त की हैं मैं उन्हें साझा करना चाहूँगा। 21 वर्ष की उम्र में मेरी इच्छा थी कि मार्केटिंग पर एक पुस्तक लिखूं, जो कि कहा जाए तो एक पागलपन ही था। क्या कभी किसी ने सुना है कि एक कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्र ने मार्केटिंग पर कोई किताब लिखी हो? इसके अलावा हर किसी ने अनुमान लगाना पहले ही शुरू कर दिया कि आप इसे पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे अंदर समाये बालपन ने हर किसी को गलत साबित किया। मैंने न केवल 8 महीनों में किताब को लिखा बल्कि उसका प्रकाशन भी करवाया। यह मेरे अंदर मचलते बच्चे की जीत थी। असंभव कार्य करने का मेरा दूसरा प्रयास था जब मैंने फोटोग्राफी में एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के बारे में सोचा। मेरे मित्रों ने मुझसे अनेक सवाल पूछे, कैसे, क्यों, क्या आप इस विषय पर गंभीर हैं, यह असंभव है, उन्होंने कहा। उनकी बाधाओं की सूची लंबी थी। मुझे 122 मॉडलों से काम करवाने के लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता थी ताकि मैं उनके साथ 12 घंटों से कम समय में 10,000 शॉट्स खींच सकूं, तथा मेरा छोटा सा सेटअप विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन मेरे अंदर के बालक ने अभी तक विचार ना की गई बात को सोचा, जिसे दूसरों ने अभी तक असंभव सोचा था, मेरे अंदर के बच्चे ने उसे पूरा कर दिखाया। इसके बाद मैंने इमेजेस बाजार के बारे में सोचा, अस्पष्ट शब्दों में मेरी छवियों के लिए बाजार। मैंने फिर से असीमित बाधाओं का सामना किया, जैसे निवेश की कमी, बहुत छोटा समूह तथा दिलचस्पी नहीं रखने वाले निवेशक। ये सब मेरी सफलता के लिए काफ़ी नहीं थे। पीठ के पीछे अनेक लोग कहते हैं कि मैंने भी ऐसा कर लिया होता। उनके लिए ऐसा कहना संभव था क्योंकि बड़ों का मस्तिष्क केवल वास्तविकता को देखता है, अर्थात कुछ ऐसा जिससे पहले से ही देखा जा चुका है और हकीकत में तब्दील किया गया है। जब मैंने देखा और कर दिखाया, अनेक लोगों का मानना था कि वह भी कर सकते थे। इन सब के लिए और अन्य बहुत से कार्यों के लिए मैं अपने अंदर समाये बालपन को धन्यवाद देता हूँ। बच्चे की तरह जियो। अधिकतर हैरान कर देने वाले सत्य अक्सर बच्चों के मुंह से ही सुने जाते हैं। वे बच्चे के मस्तिष्क में अचेत स्थिति में रहते हैं। विडंबना यह है कि हम इस सच्चाई का पता लगाने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और ध्यान लगाते हैं,
और साथ ही मंत्र उच्चारण करते हैं। हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि कोई बच्चा किस तरह से जीवन जीता है। यह सच है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक बच्चे का वास होता है, वह बच्चा जो उस मनुष्य विशेष को मुस्कुराने और जीवन जीने का एहसास कराता है। प्रश्न है कि हम बड़े क्यों होते हैं? साधारण सी बात है कि बड़ों की दुनिया हमें ऐसा करने के लिए कहती है। बड़ों के रूप में हम जीवन को जीना भूल गए हैं तथा हम यह समझते हैं कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम जीवन को ना जीने की इन शिक्षाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। बच्चे को बार बार ये समझाया जाता है कि किस प्रकार से व्यवहार करना है, क्या करना है, कैसे करना है, जबकि ये तो इसके विपरीत किया जाना चाहिए। यदि आप कुछ पल रुकें तथा किसी बालक के व्यवहार को ध्यान से देखें तो आपको उसके व्यक्तित्व में कुछ आश्चर्यजनक बातें देखने को मिलेंगी तथा आप इस बात को लेकर अफसोस करेंगे कि मेरे बचपन के दिन कहाँ चले गए। यह अपनी बड़े होने की विचारधाराओं से लौटकर एक बचपन की ओर मुड़ने की उपयोगी सोच है, जो कि दुनिया अधिक अच्छे से सोच सकता है तथा अंधकार में डूबी वास्तविकता से परे देख सकता है। कोई बच्चा रो सकता है तथा गुस्सा दिखा सकता है, लेकिन वह कभी दुखी या उदासी से पीड़ित नहीं होता है। उसे नहीं मालूम कि उदासी क्या होती है। वह नकारात्मकता, परेशानी, दुख तथा क्रूरता के पाठ बड़ों की दुनिया से सीखता है। हम बच्चों से क्यों नहीं सीखते हैं? इस किताब में हम ऐसी अनेक बातों को देखेंगे जिन्हें आप अपने में शामिल करना चाहेंगे और आप हमेशा के लिए अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बदलना चाहेंगे। लोग बूढ़े नहीं होते हैं, जब वे अपना विकास करना रोक देते हैं तो वे बूढ़े हो जाते हैं। अज्ञात अपनी इच्छा से बचपन को खोज लेना ही बुद्धिमत्ता है। आर्थर रिम्बाउड। जब बचपन की मौत होती है तो इसके मृत शरीर को वयस्क कहा जाता है। ब्रायन एल्डिस। यदि आप अपने बालपन को अपने साथ लेकर चलते हैं तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। टॉम स्टॉपार्ड। हिंसक अपराध के लिए जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति का बचपन भयावह रहा है। रॉब रेनर। बालपन की अपनी गोपनीय बातें और रहस्य होते हैं, लेकिन कौन उन्हें बता सकता है या कौन उन्हें समझा सकता है। मैक्स म्यूलर। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कभी भी अपने बचपन से लेकर खुले दिमाग से सच्चाई को देखा ही नहीं है। ई बी वाइट। आइए डर से मुक्त हों। डर का वास मस्तिष्क में होता है। अपने मस्तिष्क को आजाद करें और अज्ञात से छलांग लगाएं। उत्सुक बने। यदि मन में उत्साह हो तथा सीखने की इच्छा हो तो जीवन के रहस्य खुलने लगते हैं। विश्वास करें। बालपन की मान्यताओं को अपने आप में बने रहने दें। विश्वास रखें। हृदय से निकली एक साधारण प्रार्थना बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती है। उत्सव मनाएं। अपने हृदय के बंद दरवाजों को खोलें, उल्लास मनाएं तथा खुशियां बिखेरें। परिवर्तनशील बने। पुरानी परिपाटियों पर चलते रहना ठहराव है। चुनौती स्वीकार करें। क्या हुआ यदि यह छोटा है? यह सोच ही है जो महत्वपूर्ण है। अधिक की अपेक्षा करें। ज्यादा की अपेक्षा लालच नहीं है, यह दुनिया को अपनी मुट्ठी में भर लेने की महत्वाकांक्षा है। मुक्त हों। केवल एक बच्चा ही बेहिचक और अनजाने में कुछ भी कर सकता है। सपने सजोएं। अनंत तक पहुंचने का प्रयास करें। अंतर्मन को सुने। अपनी आंखें बंद करें और जीवन की कठोर सच्चाई में भी कोमलता देखें। खोजें करें। आंखों को वह देखने दें जो हृदय महसूस करता है, ना कि वह जो दुनिया दिखाती है। आगे बढ़ते रहें। आइए विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने का संघर्ष करें। रचना करें। हृदय से सोचने के लिए मस्तिष्क को मुक्त करें। उड़ान भरें।
जब आप योग्यता रखते हैं तो क्यों सफलता की ऊंचाई नहीं छूते। मित्र बनाएं। सच्ची दोस्ती कोई बड़ी चीज नहीं, यह तो असंख्य छोटी छोटी बातों का संग्रह है। मुस्कुराएं। क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो इसकी बराबरी कर सकती है। मौज मस्ती करें। जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है यदि आप इसे पूरी तरह से जिएं। सहायता करें। यात्रा को सुखद बनाते हुए एक साथ आगे बढ़ना एक शानदार तरीका है। आशावान बनें। अंधेरे को दूर करने के लिए आशा की एक किरण ही पर्याप्त है। कल्पनाशील बनें। कल्पनाशील बनें क्योंकि आप नहीं जानते कि कब कोई विचार जीवन को बदल सकता है। सीखें। प्रत्येक कौशल का अपना महत्व है और सीखने का कोई समय नहीं होता। जीवन जिए। जीवन में एक क्षण भी खुशियों को क्यों गंवाया जाए। प्रेम करें। प्रेम कोई बंधन नहीं मानता तथा इसके साथ कोई शर्तें नहीं जुड़ी होती हैं। नेक बने। दयालुता का हर कार्य एक बेहतर कल के लिए योगदान देता है। कड़ा प्रयास करें। थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करने से असाधारण सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साझा करें। उदारता का एक छोटा सा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। समाधान खोजें। ऐसा क्यों है कि हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है ताकि हम उनका समाधान खोज सकें। रोमांचक बने। किसी उत्साहपूर्ण कार्य को करते हुए जीवन को रोमांचक बनाएं। कभी हार ना माने। पहले चरण से ही आरंभ करें, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। अभिलाषा करें। यदि भगवान देने के लिए इच्छुक हैं तो हम अपनी अभिलाषाओं को क्यों सीमित करें। दोस्तों, ये बुक संदीप महेश्वरी के दोस्त सनी अरोड़ा ने लिखी है। ये बुक 2011 में पब्लिश हुई थी। मुझे पूरी आशा है कि ये बुक आपको आपके बचपन में ज़रूर ले जाएगी। अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।